So next is relation between angular momentum and torque. ठीक है, एल वैक्टर की देखो लगा आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर, इन्हों डिफरेंशिएट कर दो. ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. कितना आ गया डी एल वैक्टर ओवर डी टी आर वैक्टर क्रॉस डी पी वैक्टर ओवर डी टी. ये यू वी रूल लगना पहला इनू फिर इनू. ठीक है, एक उदा रहन देना फिर डी आर वैक्टर ओवर डी टी क्रॉस पी वैक्टर. ठीक है, पहले एक डिफरेंशिएशन कर देनी दूजे उदा रहन देना फिर दूजे की कर देनी पहले उदा रहन देना. ठीक है, डी आर वैक्टर ओवर डी टी कि डी पी वैक्टर ओवर डी टी कि एफ वैक्टर प्लस डी आर वैक्टर वी वैक्टर की खिलौता क्रॉस पी कि एम इंटू वी वैक्टर. हम देखो एम कॉन्सटेंट है ये वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर सेम डायरैक्शन होगी ना इन्हों की जो वेलोसिटी लै रहे हैं जो यदि आई कैप यदि भी आई कैप होएगी तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होना है कितना होना जीरो. सो डी एल वैक्टर ओवर डी टी कि आ गया आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर डी एल वैक्टर ओवर डी टी है कि हो गया टॉर्क से. ठीक है जी, ठीक है जी. सो टॉर्क का रिलेशन है देखो एंगुलर मोमेंटम कदों कंजर्व रहेगा ये क्वेश्चन आ जाना अपना कि एंगुलर मोमेंटम कदों कंजर्व होगा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व उदों होता है जो एक्सटरनल फोर्स की है जीरो. हुण इहदे विच की होएगा एंगुलर मोमेंटम कदों कंजर्व होएगा जो टॉर्क की होएगी जीरो होएगी टॉर्क की होएगी जीरो. ठीक है जी, यह मैं दसदा देखो टॉर्क देखो टॉर्क कदों जीरो होएगी जो एल की है कॉन्सटेंट तुम्हें पता ना कॉन्सटेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती कॉन्सटेंट ने उदा ही रहना कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन की होएगी जीरो होएगी जो टॉर्क जीरो तो एलिक्यूड कॉन्सटेंट है एलिक्यूड कॉन्सटेंट मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम इट मीनस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली वैन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. ठीक है जी, तो वैसे रिलेशन आ गया टॉर्क का तो एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. यार मैं बुक तो करवा देना हाँ देखो ये मैं न्यूमेरिकल तुम करवावगा. ठीक है, देखो टॉर्क एंड एलिमेंट ऑफ सिस्टम पार्टिकल पहले पार्टिकल का एल वन दूजे का एल टू तीजे का एल थ्री डाटा डैश एल एन. ठीक है, सेम उदा ही आएगा थोड़ा इन एक बार देख लेना तुम. ठीक है, कोई ये कोई टिपिकल नहीं कुछ है. ठीक है, यह थोड़ा नैट आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम नैट टॉर्क. ठीक है जी, ए जी टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स होगी वो होगी जीरो तुम्हें पता ही है पार्टिकल एक दूजे के उपरी डायरेक्शन लगाते हैं. ठीक है, फोर्स तो वह नैट फोर्स की हो जाती है जीरो हो जाती है इंटरनल जो पार्टिकल इंटरनल जी. ठीक है, एक दूजे के फोर्स लगा एक्सटरनल फोर्स का करके टॉर्क आएगी. ठीक है, सो नैक्सट है सेंटर ऑफ ग्रैविटी. सेंटर ऑफ ग्रैविटी की होंगे कि यह बॉडी का वह पॉइंट होंगे जिथे कि वह सारा वेट की हैगा वा कंसनट्रेट आ इंटायर वेट बॉडी का. ठीक है, जिमें तो उन्होंने फाइंड करना किमें फाइंड करना फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी है ना तो उन्होंने बैलेंस करते जे ना कॉपी में जिमें उंगल के घुमा जो रोटेट करते जे ना उन्होंने एक पॉइंट तो इन्हों पेंसिल के नाल जिमें कॉपी जिमें फोन. ठीक है, तुसी ना इनू पेंसिल लैके इनू इस तरीके नाल बैलेंस करना कि उतों ही लेना है. ठीक है, मैं पूरा इनू बैलेंस करना जिथे बैलेंस हो जाएगा वो तुहाडा की आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी. जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी होएगा ना तो तुसी इहना पेंसिल नाल कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, रखोगे बैलेंस हो जाएगा ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी पूरा सेंटर च रहेगा बैलेंस हो जाएगा.
ठीक है, उस पॉइंट तो उपर ताकि टॉर्क की होएगी, जी टॉर्क होएगी, टोटल टॉर्क की होएगी, वो की होएगी जीरो, रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क की होएगी जीरो। टॉर्क की लिख लो आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर, ठीक है। हम एफ कि लग रही फोर्स, नीचे कि लग रही है एम जी, ठीक है जी। सो हम सारे पार्टिकल का करके ऐड कितना ही टॉर्क इन एम आई आर आई लिख देंगे, ठीक है। टोटल टॉर्क एक ही होगी जीरो, यदा मतलब एम आई आर आई की हो गया भी की होगा जीरो होगा। आर पता ना की है तुम्हें, हूँ मैं दसन की लड़ नहीं पैनी चाहिए कि आर की है इतने, ठीक है जी। सो ए पॉइंट याद रखना वा, ये तुम्हें मैं पैरेलल तो परपेंडिकुलर थ्योरम कराऊंगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो जो काम आएगा। नैक्सट है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो याद करने का तरीका बहुत ईजी है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी होंगे, लीनियर मोशन इक्वेशन होना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी फाइनल, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस एसोलेशन रोटेशनल की होंगी अल्फा टाइम टी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर टू ए जगह अल्फा, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि होंगी है थीटा, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट टाइम टी प्लस हाफ ए, एंगुलर एसोलेशन की होंगी अल्फा इंटू टी स्क्वायर, बन गया इक्वेशन। सेम इन्हों उस तरह यूज करना जिदा इन्हों करते, बट ये उदो यूज करनी जो कि आएगी अपने को रोटेशनल मोशन हैगी, ठीक है। हम इक्वेशन ड्राइव किमें करनी है तुम्हें दस दिना, अल्फा कि होंगे डी ओमेगा ओवर डी टी एंगुलर एसोलेशन, और डी ओमेगा कि लिख लिया इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, हूँ ओमेगा किन्ने तो किन्ने वेरी करती है, इनिशियल किन्नी होंगी ओमेगा, ओमेगा नॉट फाइनल ओमेगा टाइम जीरो तो टी अल्फा इंटू डी टी, अल्फा बाहर आ गया कॉन्सटेंट आ, हम टी की हो जाए टी नहीं है टी की पावर जीरो, वो की हो जाएगी इंटीग्रेशन, एक इनक्रीज होगी ना पावर टी जीरो प्लस वन ओवर जीरो प्लस वन, टी की पावर वन आ जाएगी, लिमिट पुट कर देनी है, जिधर ओमेगा भी नहीं है ओमेगा की पावर जीरो, इंटीग्रेशन पता ना पावर एक इनक्रीज हो जाएगी जिदे ना कर रहे हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हो गया। सेम वे तुम करना ओमेगा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा बाय डी टी, पहली क्वेश्चन ड्राइव होगी, सैकेंड सेम इस तरह करना डी थीटा ओमेगा इंटू डी टी आ गया, हूँ डी थीटा किन्ने तो वेरी करता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किन्ने तो वेरी करता एंगल जीरो तो थीटा, ठीक है, टाइम जीरो तो टी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है, ओमेगा की वैल्यू किनी है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी पुट करती, इन अंदर कले कले इंटीग्रेशन होनी, कले कले इंटीग्रेशन करती, इंटीग्रेशन कले कले कर दोगे इक्वेशन की हो जाएगी ड्राइव हो जाएगी। नैक्सट नैक्सट क्वेश्चन ड्राइव कर ली, ओमेगा इज इक्वल डी थीटा बाय डी टी, अल्फा की इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी, मैं इन्हें किमें लिख सकता डी ओमेगा ना डिवाइड करना डी ओमेगा ना मल्टीप्लाई, इन ब्रेक करके लिखता ना मैं डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी, हूँ यह बन गया ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा है ना इंटू ओमेगा, डी थीटा इधर चल जाएगा अल्फा इंटू डी थीटा आ ओमेगा इंटू डी ओमेगा, हूँ यदि ओमेगा नॉट टू ओमेगा थीटा किन्ने तो जीरो टू थीटा इंटीग्रेशन कर दो इक्वेशन की हो जाएगी ड्राइव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तुहानू कोई भी डिफिकल्टी आती है तुसी दस सकते जी, ठीक है, मैं रिपीट कर दाँगा फिर, डोंट वरी। सो ये थोड़ा चैप्टर का एक का टॉपिक रह गया, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। सो नैक्सट चैप्टर अपना रह जाना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी ईजी है, वो कुछ ही टॉपिक है दो तीन फर्स्ट, वो भी आपको करवा देंगे।